Hey guys, assalamu alaikum, adab, satsyakal, wanakkam, welcome back to the channel. Last time मैं जो FedEx से आया parcel India के बाहर से आया बोल के जो बोला वो ये है और lights है, तो ये lights को जो है car के पीछे के bumper के नीचे fix करके उसको ये ऊपर tail lights को दे देते connection. तो जब भी brake मारे tail lights के साथ नीचे वो भी आते, and that looks very classy. तो ये काम करवाने हमको अब जाना है, हम जाएंगे ये काम करवाएंगे. I also wanted to unbox this in my vlog itself and I'm doing it. दो तीन दिन से इसको सड़ा के रखा हमारे घर में कोने को. ठीक है, हम इसको खोल के देखते हैं. वाह, कस्टम्स में प्रॉब्लम हो सकती है, बल्कि वहाँ क्या करे, ऐसा पैक करके भेजे, वरना ये चीज़ बॉक्स में आती. तो ये चीज़ क्या है पहले अपन देखेंगे और उसके बाद बात करेंगे अपन. ओ भाई खुल ना यार. दिस इज वन ऑफ द मोस्ट एक्सपेंसिव मास्क. तो ये LV का मास्क है, आप लोग देख सकते हैं, और ये ओरिजिनल वाला LV का मास्क है. अगर इन्हें बॉक्स में पैक करके भेजे तो कस्टम्स में प्रॉब्लम होती, बल्कि बंदा क्या करा, ऐसा पैक करके FedEx के थ्रू भेजा. एक बंदा है जिसका नाम टेर मरसुलोव है, कजाकिस्तान अल्माटी सिटी में रहता, तो वो बंदा वहाँ पे मिलियनर है. उन्हें जो है LV के मास्क, LV के जैकेट, LV के शूज, हर चीज LV की पहनता भाई. तो उसको मैं इंस्टाग्राम पे फॉलो करता हूँ. तो बंदा कुछ गिव अवे रखा ये वाले मास्क का, 400 पार्टिसिपेंट्स कुछ पार्टिसिपेट करे. मैं भी ऐसी फीड में देखते देखते क्या करा, देखेंगे कमेंट करेंगे. बल्कि वहाँ पे मनीष को और फैजान को और इमरान को मेंशन करा मैं, लकीली वो गिव अवे मैं जीत गया. जबरदस्त है. इसका प्राइस करीब करीब $250 के आसपास है, यानी आई एम नॉट श्योर, थोड़े लोग इसका प्राइस $500 है बोल रहे हैं और थोड़े लोग $250 है बोल रहे हैं. यानी ये मास्क 18,000 रुपए का है. नवील भाई आज से 18,000 का मास्क पहनेंगे भाई. गर्मी हो रही भाई मास्क में, वल्ला ये जो हल्का हल्का फितूर है. ये मास्क लगा लिया तो कोई एक रूम में बंद कर दिया तुम्हारी नाक को और मुंह को और पूरी बॉडी को छोड़ दिया खाली बाहर, बोले था दिख रहा. ये मास्क लगा लिया तो आवाज ही नहीं निकल रही, और ये मास्क देखो एकदम आंखों के नीचे तक कवर्ड है, तो वायरस वायरस अंदर जाने के तो चांस ही नहीं है बा. हमारे अन्ना है, देखो इनका लाइट स्विच ना बंपर में. अन्ना है हमारे, अन्ना अन्ना नाम बोला आपका, नरेश. हमारे नरेश अन्ना बोले कि नबील भाई वो बम्पर निकाल के करने का काम है. तो आप लोग यार थोड़ा आगे जाओ, नायक कार्स बोल के कुछ है वहाँ पे, आजू बाजू में एक बंदा रहता है इलेक्ट्रिशियन जिलानी बोल के, तो वो चिच्चा करते ये काम परफेक्टली. तन्मय भट्ट की हंसी आना था मेरे को, हर जोक नहीं है तो भी कुछ भी बोल के. और मैं तो अपने मेन चैनल पे कॉमेडी करता हूँ, कॉमेडी कर करके हंसी बोलती सो चीज आ रही नहीं. कभी अगर अच्छा बड़ा जोक क्रैक हुआ तो तभी हंसता हूँ. अब 5 बज रहे और शर्जील भैया 6 बजे तक घर को वापस आओ बोले, और हमारा काम हो रहा ही नहीं. दो दुकानों को फिर लिया मैं, क्या है कि जिलानी भाई कोई दूसरे काम पे लगे हुए हैं, उन्होंने बोले उसके पास ही करा लो, उन्हें बोला इनके पास करा लो, इन्होंने बोला उनके पास क्या. नरेश अन्ना अलंकार के पास रामाकृष्णा थिएटर है, उसके बाजू एक अन्ना है, वो बंदा इम्प्रेस हो गया था मेरी कार को देख के. अपन जाके वो चीचा के पास में एक ट्राई मारेंगे. చాలా బాగుంది, నమ్మలేకపోయినా చాలా నీట్ గా చేయించి ఇట్లాంటి కార్ వరంగల్ లో చూడలేదు. అన్నా అప్నా ఒపీనియన్ దే రే కార్ పే, ఐసీ కార్ పూరే వరంగల్ మే కహీ నహీ దేఖా మే, పెయింటింగ్ హై యా స్టిక్కరింగ్ సమజ్ మే నహీ ఆ రహా బోల్కే. ఔర్ జిత్నా భీ లోగ్ ఆ రోడ్ పే సే జా రహే ఖాలీ ఐసా ऐसा घूर रहे हैं भाई, जाते जाते मुंडिया पलटा दे रहे अपनी कार पे. दीज ऑल क्रेडिट्स गोज टू अब्बास भाई. माय कार लुक सेक्सी ऑफ कोर्स एंड आई फील वेरी गुड बिकॉज़ ये कलर की कार तो पूरे वरंगल में नहीं है. आई एम अट्रैक्टिंग पीपल एंड आई लव अट्रैक्टिंग पीपल एंड आई लव बीइंग सेंटर ऑफ अट्रैक्शन. तो हर कोई ऐसा देख रहे, तो मेकू देख रहे, कार को देख रहे, समझ में नहीं आ रहा. बट पहले तो मेकू देखते थे पहचान के, अब कार को भी देख रहे. मैं फेमस, मेरी कार भी फेमस. मास्क की क्वालिटी इतनी अच्छी है, क्या बोलूं मैं भाई. ये पहन के बात करे तो आवाज तक नहीं जा रही बाहर. ऑलरेडी मेरे माइक पे एक विंडशील्ड है, उसके साथ ये पेन के बात करे तो और एक विंडशील्ड बन गया भाई, तो इसीलिए निकाल दिया. अन्ना लोग मेरा बम्पर निकाल रहे हैं, ऐसा दिल मार ले रहा है, बोले तो
स्टिकरिंग करा के है और बम्पर निकाल रहे हैं। नीट फिनिशिंग हो के थी ना, तो अगर अच्छे से बम्पर निकाल दिए, लाइट फिक्स करे, बम्पर लगा दिए, तो आई वुड फील हैप्पी। तो हमारे समीर क्या बोल रहे हैं, नबील भाई को लेके नहीं निकलना और कार को लेके नहीं निकलना? कहीं को बोले तो जो भी जा रहे हैं, मेरे को तो भी देख रहे हैं, कार को तो भी देख के रुक जा रहे हैं। तो हमारे समीर साहब बोल रहे हैं उनको भी कोई पहचानो। समीर फ्रस्ट्रेटेड फील हो रहा, जो भी जा रहा कार इतना हिंदी बोल के पूछ ले रहे हैं। अस्सलाम वालेकुम जी, आप खैरियत? अरे क्या कर रहा है, रोक लेना यार। शाम के बज रहे 6 और घर को जाने वाले हैं हम। घर को जाके शर्जिल भैया के फुल मारा खाने वाले हम लगा। कहीं को बोले तो उनके जिम का टाइम मिस हो जा रहा। इतने भी लोग रोड पे आ रहे हैं, जा रहे हैं, इनसे पूछ रहे हैं और कौन भी बुलाओ इन्हें चल जा रहा। शोरूम का सेल्स एग्जीक्यूटिव के जैसा इन्हें चल जा रहा, जाके उन लोग को पूरी कार के बारे में बोल रहा कि ये है, वरना कार है, ये कलर करा है इसको बोल के। तो वॉइस ओवर दे रहा हूँ मैं समीर का, चलो भैया टाइम हो रहा जी, ठहरे ठहरे, इनके पैर दर्द दे रहे, इसीलिए बोलते फिटनेस इज इम्पोर्टेंट, जिम को जाना। ऐसा आप बुर्रा पाल लिए तो नहीं जमता, सुन रहे हैं? फुल खा के सो के और ऊपर से लॉकडाउन की वजह से फूल जा रहा है इन्हें, बुग्गा फूले जैसा। और एक साल रुक, एक साल और मेरी दुआ है कि एक साल में इन्हें जूनियर तन्मय भट्ट बन जाना इन्हें। तो फाइनली काम हो गया, अभी ब्रेक मार। रात के टाइम तो एकदम लवली दिखने वाले हैं ये लाइट। कैमरे की बैटरी रख लेना, भूल गए तो अपन फोन पे आ जाते। और हमारे मल्लेश अन्ना जो है, महेश अन्ना भी, अहमद भाई जबरदस्त काम करे, बहुत बहुत शुक्रिया। और यहाँ पे हमारे जानीमन ठहरे हुए हैं देखो, और हमारे जानीमन को निकाल के अपन फर्र बल के लर्र बल के राइट लेके लेफ्ट लेके जट लेके सीधा घर को जाके शर्जिल भैया को पिकअप करके वहाँ से कपड़े बदला के जल्दी प्रोटीन ले लेके जिम को भागेंगे। क्या बोलो? तो लेट्स गो। फर्स्ट ऑफ ऑल, व्हाट इज रैपिंग? आपके कार के ऊपर स्टिकर डालते हो लोग, तो ये स्टिकर है, आपके कार के कलर को कहीं से भी कुछ भी डैमेज नहीं होता। अगर आपको गुस्सा आया या आपको कार का कलर पसंद नहीं आ रहा या आपको पुरानी कार आपकी वापस होना, तो आप गुस्से में दित तड़ी पोचम्मा गुड़ी बोल के कच्चे फाड़ दे सकते स्टिकर। फाड़ना नहीं, जो रैप करे उनके पास ही लेके जाके निकाल दो, मेरे को मेरी पुरानी कार होना बोल के बोले तो जो है उन्होंने नीट निकाल के वॉश करके देते आपको। मैं तो एक साल इसको ऐसे चलाने वाला हूँ, इंशाल्लाह एक साल के बाद कोई दूसरा कलर, और 2-3 साल के बाद हम मस्टैंग जीटी ले लेंगे भाई, हमारी विश है ये। सब लोग आमीन बोल दो भाई कमेंट्स में। नंबर प्लेटा में जो ऑर्डर दिया वो आते किच, उसको एक फिक्स करा लेना है, वो फिक्स कराते कि पूरा काम खत्म, जैसा शूटिंग हो जाने के बाद बोलते ना रैप अप। और उसके बाद में एक काम बचेवा रहता जो कि रेक्टिफाइंग। रेक्टिफाइंग में क्या करते बोले तो पीलिंग्स होने के चांसेस रहते धूप की वजह से, और कार आप वॉश कराने के बाद में कहीं से भी स्टिकर थोड़ा उखड़ने के चांसेस रहते। तो ये रेक्टिफाइंग में लोग क्या करते हैं, जहां जहां से भी वो पीलिंग हो रही, जहां जहां से भी वो स्टिकर उखड़ रहा, वो लोग रेक्टिफाई कर देकर सेट कर देते। एट लास्ट हमारी नंबर प्लेट भी लग गई, बट सिर्फ पीछे की लगी, सामने की नहीं लगी अभी। एकदम लवली, खाली दुबई की कार दिखी। सामने की नंबर प्लेट में छोटी पूछे तो उन्हें देखो ये साइज की भेज दिया, यानी कि ये भी एग्जैक्ट उसके उसके साइज की छे। सामने की नंबर प्लेट तो इतनी बड़ी लगा नहीं सकता मैं, तो इसके लिए मैं एक जुगाड़ करा, देखिए आप लगा। तो जिस जुगाड़ के बारे में मैं बात कर रहा था, वो जुगाड़ कराने जा रहे हम लोग। वो जुगाड़ करा के मैं और एक चीज मंगाया ऑनलाइन से, इंस्टाग्राम पे देख के, वो चीज अपन कार में फिक्स करा के वापस लौटेंगे। शुरू किया मैंने एज ए म्यूजिक डायरेक्टर, आज मेरे यार दोस्त बड़े बड़े एक्टर ऐसा बोलते हैं, तो आज पिक्चर। इन्हों हमारे राहिल साहब है, एक चीज आप लोग ऑब्जर्व करें, हमारे उबेद का जो चेहरा है इलास्टिक का है, ऐसा हंसते ही पूरा स्ट्रेच हो जाते लिप्स। मैं तो सुबह के 9 बजे उठ के नाश्ता भी कर लिया, फ्रेशअप भी हो गया और चाय भी पी लिया, बट उबेद भाई जो है हमारे बहुत स्लो है, अब मुंह धो रहा देखो ने। म्यूजिक कर। हमारा जो जुगाड़ था नंबर प्लेट वाला, तो अभी आके कार खोल के देख रहा हूँ अंदर में डैशबोर्ड में रखा था, बट अब वो नहीं मिल रही नंबर प्लेट, छोटी थी जी, इतनी थी। ये खत्म इसने हो रहा डायलर ट्यून, इतनी बड़ी है ट्यून आके रिंग हुए तक, किसी को हार्ट अटैक आया या मदद के लिए किसी को फोन कर रहे तो चिच्चा चले भी जाते, ये डायलर ट्यून हो गए तक। खैरियत कहाँ है की? ये अपन छोटी नंबर प्लेट लिए थे देखा, मैंने था ना बस इशू नहीं, तेरे को कुछ भी याद होगा बल्कि फोन करा रहा है। अल्लाह हाफिज, खुदा हाफिज, हम लोग जा रहे हैं। क्या है कि अब तो आए तक बहुत देर हो जाती शायद। नहीं नहीं, आ तो पैदल निकल गया, पैदल निकल भी गया तो इतने में। अरे वॉकिंग बैक टू होम, नंबर प्लेट ढूंढने के लिए
और हमारे जो उबैद राहिल साहब है नाश्ता नहीं करे ना, उन्होंने जरा देर से उठे तो उनका दिमाग सीधा काम नहीं कर रहा था। अब मैं गया अंदर ढूंढने के लिए, उतने में फोन करके मिल गई आजागत। क्या है बड़े भाई, रीच्ड होम, आई विल गो एंड हैव माय लंच। उसके बाद में आई एम गोइंग टू गिव अवे दीज ऑल प्रोडक्ट्स। पूरे 10 प्रोडक्ट्स है मेरे पास और ये 10 के 10 गिव अवे नहीं करने वाला हूँ। आप लोग का गिव अवे समझ के आए नहीं, कहाँ का गिव अवे, खाली मजाक कर रहा था तुम्हारे साथ। 3, 4, 5, 6, 7, 8 ये 8 प्रोडक्ट्स मैं गिव अवे कर रहा हूँ। तो मेरे पास स्टॉन्च फ्लेक्स 100 वायरलेस नेक बैंड है जो कि आपके फोन, टैबलेट, लैपटॉप, स्मार्ट टीवी के साथ यूज होता है। इसकी साउंड क्वालिटी अमेजिंग है, इट वर्क्स टू डिलीवर द बेस्ट साउंड क्वालिटी इन द इंडस्ट्री। और इसका बैटरी बैकअप भी बहुत अच्छा है। स्टॉन्च के प्रोडक्ट्स नहीं है बट ऑल टुगेदर एक अच्छा एक्सपीरियंस है। और स्टॉन्च के प्रोडक्ट्स मेरी डेली लाइफ का हिस्सा है, इट हेल्प्स यू टू इम्प्रूव योर लाइफस्टाइल बिकॉज इनके पास में ऑडियो से लेके पर्सनल ग्रूमिंग तक हर किस्म का प्रोडक्ट है। द रीजन व्हाई आई बॉट स्टॉन्च प्रोडक्ट्स फॉर गिव अवे इज स्टॉन्च इज एन इंडियन ब्रांड। छोटा मोटा गिव अवे कॉम्पिटिशन है तो ये गिव अवे कॉम्पिटिशन में हिस्सा लेने के लिए आप लोग सबसे पहले मेरे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करो और ये वीडियो को लाइक करो। ये वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाओ, मेरी Instagram की हैंडल है, वहां पे जाके मेरे को फॉलो करो और टर्न ऑन द लाइव पोस्ट स्टोरी नोटिफिकेशंस ऑन माय प्रोफाइल। और मैं Instagram पे एक फोटो पोस्ट करा गिव अवे के बारे में, उस पे आपके 3 फ्रेंड्स को टैग करो। Staunch_India को आप लोग Instagram पे फॉलो करो। मेरी Instagram हैंडल का लिंक और Staunch India की Instagram हैंडल का लिंक मैं डाल देता हूं डिस्क्रिप्शन में। तो आप लोगों के पास 10 दिन है, जल्दी से जाओ, इंस्ट्रक्शंस फॉलो करो और जीत जाओ भाई। Next vlog.